हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करो सभी बच्चों को। गुड इवनिंग बेटा, एक बार कंफर्म करो आवाज़ आ रही। बेटा आवाज़ आ रही है? बेटा एक बार कंफर्म करो आवाज़ आ रही है? यश, रितिका, हाँ रितिका, आज कुछ दिक्कत हो गई थी बेटा, लैपटॉप में ही कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए आपकी क्लास 4:30 से नहीं हो पाई बेटा, है ना। और क्लास भी लेना बहुत ज़रूरी था, तो जैसे सही हुआ वैसे फिर क्लास स्टार्ट हुआ बेटा, है ना। हाँ आवाज़ आ रही बेटा? हाँ ओके ओके गुड। चलो आज हम लोगों को बेटा रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, और रे ऑप्टिक्स बिल्कुल आपका रेडी है। कई बार मैंने पूछा है और जब भी पूछे हैं हम, कभी मुझे निराशा नहीं हुआ है, हमेशा आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट दिए हो। तो मैंने स्लाइड बना लिया है, आप बस उसको फिल कराते चलो मेरे साथ, एक बार और री हो जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल्स भी इसके मैंने बहुत करा दिए हैं बेटा, वो चाहे प्रिज्म हो, चाहे लेंस हो, चाहे बेटा आपका मिरर हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, मेन क्लास में मैंने बहुत करा दिया है। 3 क्लास मैंने लेंस का लिया है, 3 क्लास प्रिज्म का लिए हैं, रिफ्रैक्शन के 4-5 क्लास, 3-4 लिए हैं बेटा, ऐसे कर्व मिरर के 2-3-4 लिए हैं, तो काफ़ी क्लासेस हुई हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। तो न्यूमेरिकल्स को एक बार री फिर से आप देख डालो बेटा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। कॉनकेव मिरर के बारे में बेटा जानते हैं हम लोग, कर्व मिरर 2 प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव मिरर में नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है? हाँ कॉनकेव मिरर में नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर में नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है? नेचर ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर में कैसा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर में जो नेचर होता है वो रियल भी होता है, रियल होता है और वर्चुअल भी होता है बेटा, दोनों होते हैं। जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है बेटा, वो इन्वर्टेड होता है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। इसका फोकल लेंथ कैसे नेचर का होता है बेटा? हाँ रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट भी होता है, जो वर्चुअल होगा हमेशा इरेक्ट होगा। तो कॉनकेव मिरर में बेटा हमेशा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज मिलते हैं। वर्चुअल इमेज कब मिलता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चों। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब मिलता है? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे हो कि वर्चुअल इमेज मिल जाए। वर्चुअल इमेज मिल जाए, यस, पोल और फोकस के बीच में बेटा। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है और लार्ज साइज का बनता बना, यानी H2 उसका बड़ा होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। तो एकदम सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका निगेटिव होगा, क्योंकि रे के इंसिडेंट के अपोजिट बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर नापा जाता है। यस बिल्कुल। चलो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नेचर प्लस पोजीशन ऑफ इमेज, बस हमने ज़्यादा नहीं पूछा है क्योंकि आप सीरियल से रटे होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी और यफ के बीच में रखा होता है, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सी और यफ के बीच में रखा होता है तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, और इमेज का नेचर कैसा होगा? सी और यफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा? यस बिल्कुल, वेरी गुड, बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। निश्चित रूप से रियल इमेज होगा, रियल होगा, निश्चित रूप से बेटा रियल होगा, रियल होगा, लार्ज साइज का होगा बेटा, लार्ज साइज का होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और कहाँ लाई करेगा, बियॉन्ड सी बेटा,
बियॉन्ड सी, एकदम सही है, सी के बियॉन्ड लाई करेगा। अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कहाँ होगा बेटा? हाँ बिल्कुल एकदम सही आंसर है आप लोगों का, रियल है, लार्ज साइज है यानी लार्ज है और बियॉन्ड सी है। अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? हाँ अर्नो बिल्कुल सही है बेटा। इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा? यस आंसर आने लगा, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। बिटवीन बेटा बनता है सी एंड एफ बनता है, एकदम सही है, बिटवीन सी एंड एफ बनता है, रियल होता है और स्मॉल साइज का होता है बेटा, स्मॉल साइज का होता है, सबके दिमाग में बना होगा बिल्कुल। और पोल और फोकस का भी आप बनाई दिए हैं, पोल और फोकस का भी आपने बता दिया है कि पोल और फोकस अगर होगा तो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होता है बेटा, वर्चुअल इमेज होता है और लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है, वर्चुअल इमेज होगा और लार्ज साइज का। तो जो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा और लार्ज साइज का होगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिल्कुल एकदम सही बेटा। चलो कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ इमेज, कॉनकेव का भी हम लोग बात किए हैं, कॉन्वेक्स की बात करेंगे। जल्दी जल्दी फिल करते रहो बेटा, जितना जल्दी फिल करोगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगा। कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपका सही है एकदम, कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? बेटा सूरज चौहान, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा बेटा, जो भी वर्चुअल इमेज होगा बेटा, इरेक्ट लिखा जाए या ना लिखा जाए बेटा, इरेक्ट हमेशा फिक्स है। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है बेटा तो इमेज भी ऊपर बनेगा, बस इरेक्ट का मतलब इतना है, ध्यान रखना। तो नेचर ऑफ इमेज सारे बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल होगा, ओनली वर्चुअल इमेज होगा। सूरज वर्चुअल के साथ इरेक्ट का हमेशा जीना मरना है बेटा, इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे होगा। फोकल लेंथ का नेचर कैसा होगा बेटा? यस फोकल लेंथ का नेचर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बच्चों, फोकल लेंथ का नेचर पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल एकदम। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं रखा जाए तो इमेज बेटा सी और एफ के बीच में बनता है, बहुत ही डिमनिश साइज का बनता है और वर्चुअल हमेशा बनता है बेटा, ये याद होगा आपको। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखें अब देखो इसमें कॉनकेव मिरर के ही बीच में देखो ये लिख दिया गया था, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दिया था कि कॉनकेव मिरर में सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन किसके किसके बीच में बनता है बेटा? तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज किसके किसके बीच में बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ बेटा बनता है, सी और एफ बनता है। साइज कैसा होता है? बहुत डिमनिश साइज का होता है, बहुत डिमनिश साइज का। तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर में सी और एफ के बीच में बनेगा, बहुत ही डिमनिश साइज का बनेगा। जल्दी से टिक लगाएं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है, कह रहा गलत स्टेटमेंट बताना है बच्चे, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए? हाँ बिल्कुल बेटा श्वेता, बिल्कुल, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यस इमेज कभी रियल नहीं बन सकता बेटा, इमेज कभी इसमें रियल नहीं बन सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन बेटा। तो ये हमारा हो गया डी ऑप्शन, हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, गुड। मिरर फार्मूला बेटा, मिरर फार्मूला कितना होता है? 1/b 1/u = 1/f होता है। बीच में कौन सा साइन फिल कर दिया जाए? मिरर फार्मूले में बीच में कौन सा साइन फिल कर दिया जाए? ए
एक लेंस फार्मूला होता है, एक मिरर फार्मूला होता है बेटा। मिरर फार्मूले में बीच में क्या फिल कर दिया जाए, प्लस या माइनस? यस, आंसर आ गया बच्चों का, बिल्कुल वेरी गुड, सब याद है। 1/b + 1/u = 1/f। हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल करते समय बेटा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। b कौन है मिरर से इमेज का डिस्टेंस, u कौन है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f कौन है फोकल लेंथ। और अगर हम सारे डिस्टेंस बेटा मिरर से नापे जाते हैं, साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर होगा। रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा वो सब पॉजिटिव होगा, रे के अपोजिट होगा वो निगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे कैसा होगा, निगेटिव होगा बेटा। मैग्नीफिकेशन की बात कहते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन जो हमारा होता है वो कैसा होता है बेटा, हाइट ऑफ ऊपर क्या लिखना है, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ किन दो चीजों का रेशियो होता है बेटा, हाइट के रिस्पेक्ट में, हाइट के क्वेश्चन में, हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल एकदम बेटा, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम लोग H2 पढ़ते हैं, अपान बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग सिंबल H1 पढ़ते हैं। ध्यान से देखें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय H2 और H1 का साइन कन्वेंशन लेना है, ये ध्यान रखना। H2 और H1 का साइन कन्वेंशन जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे यूज करेंगे बेटा। तो हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बेटा कौन सा साइन फिल कर दिया जाए बच्चे, यहाँ पे कौन सा साइन फिल कर दिया जाए, माइनस या प्लस? m बराबर माइनस बी अपान यू या प्लस बी अपान यू बेटा, मिरर के लिए माइनस आर प्लस? ओ वेरी गुड, कोई न्यूमेरिकल्स होगा बेटा हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय बेटा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। लेंस में प्लस बी अपान यू यूज करते हैं, लेंस में जो लेंस फार्मूला होता है उसमें 1/b - 1/u = 1/f होता है, मैग्नीफिकेशन H2/H1 ही होता है, और m बराबर प्लस बी अपान यू यूज किया जाता है लेंस में, लेकिन मिरर में बेटा माइनस बी अपान यू यूज किया जाता है। चलें सारे बच्चे फटाफट फिल करें, कॉनकेव मिरर के लिए बेटा नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन बताना है, कॉनकेव मिरर के लिए नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन बताना है। अगर रियल इमेज है तो केवल नेचर बताना है बेटा, प्लस और माइनस में बताना है, कभी भी अभी मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन किस नेचर का होगा बेटा, रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन किस नेचर का होगा? यस वेरी गुड, ऑलवेज निगेटिव होगा बेटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि H2 का नेचर निगेटिव होगा, H1 का नेचर पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, और जो वर्चुअल इमेज होगा उसका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बेटा, क्योंकि H2 और H1 का साइन कन्वेंशन हमेशा सेम होगा, या तो H2 H1 दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे बेटा। तो वर्चुअल का मैग्नीफिकेशन नेचर पॉजिटिव होगा और रियल का बेटा निगेटिव होगा। गुड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अब ध्यान से देखना बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो रियल इमेज के लिए बच्चे, रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, रियल इमेज में तीन शर्त था बेटा। अगर H2 = H1 हो जाए तो m का मान 1 हो जाएगा, दूसरा बेटा अगर H2 < H1 हो गया तो यहाँ से m बराबर हो गया H2/H1 हो गया, ये हमारा स्मॉल हो गया और ये हमारा विग हो गया बेटा। छोटे में बड़े का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, छोटे में बड़े का डिवाइड तो हमेशा एक से छोटा होगा। ऐसे तीसरे के लिए बेटा रियल इमेज तीनों प्रकार से होता है। अगर H2 > H1 हो जाएगा तो m का नेचर कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब है रियल इमेज में 1 भी होता है, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें बेटा, ये तो रियल इमेज की है, यहाँ पे रियल इमेज तो 1 भी होता है,
वन भी होगा, लेस देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा, तीनों बनेंगे बेटा। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रहा है, ये सारे कंडीशन रियल इमेज में वैलिड होते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स मिरर का बेटा, सॉरी कॉनकेव मिरर का अगर वर्चुअल इमेज है, तो इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर्चुअल इमेज में एक ही शर्त होगी बेटा कि वर्चुअल इमेज में H2H1 से हमेशा बड़ा होगा बेटा, H2H1 से हमेशा बड़ा होगा। तो M बराबर H2/H1 हो जाएगा, ये हमारा लार्ज हो गया, ये हमारा स्मॉल हो गया, और लार्ज में अगर बड़ी संख्या में छोटे का डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन क्या होगा, वन होगा। कॉन्वेक्स मिरर में यस बिल्कुल बेटा, वर्चुअल इमेज में हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, रियल इमेज में तीनों वैलिडिटी होगा बेटा कि तीनों कंडीशन वैलिड होता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें और नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन की बात करें बेटा, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसमें H2 हमेशा H1 से छोटा होगा बेटा, ऑलवेज ये रूल फॉलो होगा, ऑलवेज ये रूल फॉलो होगा। इसका मतलब M क्या होगा, ऑलवेज लेस देन क्या होगा, वन होगा बेटा। तो एकदम क्लियर होगा कि कॉनकेव में वर्चुअल ग्रेटर देन वन होगा, कॉन्वेक्स में H2 हमेशा H1 से छोटा होगा, तो क्या बनेगा, लेस देन वन बनेगा बेटा। हाँ अच्छा, नेचर की बात हो रही है, सॉरी 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 बेटा, सॉरी नेचर की बात हो रही है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा, नेचर की बात होगा तो हमेशा ऑलवेज कैसा होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, एम कैसा होगा, ऑलवेज छोटे में बड़े का डिवाइड करेंगे तो लेस देन वन होगा, हमेशा बेटा ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हम लोग ये भी फार्मूला बनाए थे मेन क्लास में बेटा, एम बराबर F/F-U बनाए थे, याद होगा अगर आपको बेटा, थोड़ा सा भी मेमोराइज होगा तो हमने दो क्वेश्चन किया था, एक बेटा मैग्नीफिकेशन का रेशियो दिया हुआ था, अगर कहीं रेशियो की बात होता है तो यू का केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, नेचर नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर सिंगल मैग्नीफिकेशन है बेटा और यू दिया हुआ है तो यू का नेचर लिखोगे। बहुत अच्छे से नोट्स में भी मैंने इंक्लूड कराया था कि अगर कहीं रेशियो की बात होगा तो यू का केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, लेकिन अगर सिंगल मैग्नीफिकेशन की बात होगा बेटा तो वहाँ पे यू का नेचर पुट किया जाता है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो बेटा तो ये सब पे मत जाना, डायरेक्ट 1/B-1/U बराबर वन, सॉरी +1/U बराबर 1/F जाना, वहाँ से बेटा वैल्यू को निकाल के और पुट कर देना एम बराबर -B/U में, आंसर आ जाएगा। चलें जल्दी से क्वेश्चन देखें। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट बेटा दिया है 2 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर के दूर पे है। बच्चों याद होगा मैंने ये भी कहा था कि अच्छे क्वेश्चन में मिरर का नाम नहीं लेगा, तो अगर रियल इमेज की बात करता है तो हर हालत में कॉनकेव होगा, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करता है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की पॉसिबिलिटी है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स वर्चुअल के केस में, तो तुरंत हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अगर H2/H1 जो दिया है बेटा, अगर उसका रेशियो लेस देन वन है बेटा तो हम लोग जान जाते थे कि कॉन्वेक्स है, और अगर H2/H1 का रेशियो बेटा ग्रेटर देन वन है तो हम लोग जान जाते थे कॉनकेव है। सब मैंने एक एक लिखाया है बेटा। हाँ साक्षी सब मैंने लिखाया है बेटा, एक एक H2 का मान दिया है, U बराबर -16 दिया है, रियल इमेज बन रहा है, इमेज 3 सेंटीमीटर हाई है, तो फोकल लेंथ मिरर का पूछा है, गलत नहीं होना चाहिए। M बराबर हो गया बेटा H2/H1 होगा, H2 का नेचर -3 हो जाएगा, H1 का नेचर 2 आ जाएगा, तो M बराबर आ गया -3/2 आ गया, ये एम की वैल्यू आ गई यहाँ से बेटा। यू का मान दिया है -16 दिया है, तो एम बराबर हो गया है -B/U हो गया बेटा, तुरंत यहाँ से बी की भी वैल्यू आ गई, मैग्नीफिकेशन -3/2 हो गया, बराबर हो गया ये बी हो गया -16 हो गया बेटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की अगर हम वैल्यू देखें तो बी बराबर कितना हो जाएगा,
बराबर हो गया -24 होगा। रियल इमेज है तो बी का नेचर बेटा माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रियल इमेज में बी का नेचर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तुरंत हम लोग पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा 1/b प्लस हो गया 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। 1/-24 -1/16 बराबर हो गया 1/f। तो f का मान सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए बेटा, यानी -9.6। हाँ, वेरियर इससे भी कर सकते हो बेटा, f/f-u से भी निकाल सकते हो, वेरियर निकाल सकते हो बेटा। अभी जो फार्मूला पढ़ा गया है m बराबर f/f-u सिंगल है बेटा, u का नेचर लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट f आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई है, वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं -9.6 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। हाँ अंजलि, डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगल के लिए हमेशा साइन कन्वेंशन रखना होगा, और रेशियो के लिए बेटा हमेशा मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ये एकदम कई बार मैंने दिमाग में आपके बैठाया है। अभिषेक यादव सर, आप लखनऊ से हैं? यस अभिषेक, यस अभिषेक, बिल्कुल बेटा मैं लखनऊ से हूँ बेटा। अभिषेक बिल्कुल बेटा मैं लखनऊ से हूँ, आप भी बेटा लखनऊ से हो। कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, सॉरी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा दिया हुआ है -20 है, क्योंकि इमेज बन रहा है बेटा। इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर्म इन मिरर इज 2.5 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा। इसका मतलब हो गया है H2 बराबर 2.5 H1 दे दिया है। हाँ, गुड एफ से बेटा, लखनऊ हो तो कभी मिलना बेटा। हाँ तो H2 बराबर हो गया 2.5 H1 हो गया है। अब कह रहा है कि मिरर कितना दूर है, हाउ फार इज द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी यू का मान पूछा गया है बेटा। तो हम लोग तुरंत मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एम बराबर हमारा हो गया है H2/H1 हो गया है, तो यम का मान कितना हो जाएगा, ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ 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 अंजलि बच्चा पूछ रहा है भाई, तो बता देना चाहिए ना। हाँ तो ये हो गया H2/H1 बेटा। सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका जो मान आ रहा है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर -20 है तो फोकल लेंथ होता है बेटा R/2 होता है, तो -10 हो जाएगा। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस ही हो जाएगा। यहाँ से बेटा m बराबर H2/H1 हो गया है, H2/H1 हो गया है। कैसे जाने कि ये वर्चुअल है, H2 का मान बेटा 2.5 H1 है, नहीं कह सकते हो कि वर्चुअल है कि बेटा रियल है, क्योंकि ये दोनों में पॉसिबिलिटी है, तो हम लोगों को पता नहीं है कि ये कैसा है बेटा। तो हम लोग रियल और वर्चुअल के चक्कर में ना पड़ के बेटा m का मान कितना रख देंगे, ये हो गया 2.5 हो गया। देखो दिमाग कहीं और चला गया, देर लग गया। m बराबर हो गया बेटा यहाँ से -b/u हो गया है, -b/u हो गया है, ये हम लोग रख देंगे 2.5 हो गया, बराबर हो गया -b/u हो गया। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा -2.5 u हो गया, ये हमारा b हो गया। तुरंत यहाँ से फार्मूला यूज कर दो, ये बन गया है 1/b -1/u सॉरी प्लस बराबर हो गया 1/f के हो गया है। 1/ के b के स्थान पे बेटा -2.5 u रख दो, प्लस हो गया 1/u बराबर हो गया बेटा -1/10 हो गया। तो u का बच्चे सभी सॉल्व किए हैं, कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर सर। चलो वैरियर क्या हो गया बेटा, कितने दिन से तबीयत खराब हो गया बेटा वैरियर, ये टाइम तबीयत खराब होने का नहीं है बेटा। तुरंत आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो बेटा, जिससे तबीयत तुरंत सही हो, है ना, क्योंकि ये समय बेटा वॉरियर 1 घंटा नुकसान करना भी पूरे साल के लिए बेटा सरदर्द हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ बेटा,
तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है कभी बेटा, तो इसलिए अच्छे डॉक्टर को तुरंत दिखाओ बेटा और दवा लो, क्योंकि इस समय पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। चल, मशरूम सर मैंने क्या किया आप रिप्लाई नहीं देते हो, मशरूम। अरे बेटा हाँ मशरूम बेटा, ऐसा कैसे कह देता बेटा मशरूम। एक तो मशरूम अपना नाम बदल लिया, मशरूम बेटा कौन सा ओरिजिनल नाम था, मशरूम बदल लिया भाई हाँ मशरूम अपना नाम कर लिया है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में बेटा हम लोग को रिलेशन याद होगा, इसको याद करके ही जाना होगा बेटा। मान लो दुर्भाग्य हो गया, न्यूमेरिकल्स आ गया, अभी तक खैर नहीं आया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है बी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये रिलेशन याद होगा, बी अपान यू के स्थान पे बेटा एम भी रख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस एम स्क्वायर इंटू यू ओ हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमको याद करना रहेगा बेटा। हाँ, किशन पाठक, वैरियर बस बेटा 1 घंटे तो अभी क्लास चलेगा ही बेटा, वैरियर 1 घंटे तो क्लास चलेगा ही। हाँ अब देखो, हाँ कभी कभी अंजलि भी अपना नाम ओरिजिनल बदल लेती है, फिर ओरिजिनल पे आ जाती है, ऐसे चेंज करती रहती है, थोड़ा बहुत शरारत हो जाता है। अगर यम के स्थान पे माइनस बी अपान यू रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी यम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमको याद करना रहेगा। चलें हम लोग रिफ्रैक्शन को देखते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है, कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है? हाँ मुकेश ब्रदर, सर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अरे नालायक, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, टमाटर बेचेगा? यही तो समय है बेटा कि सारे काम छोड़ के बेटा ये शब्द अब नहीं लिखोगे, पढ़ाई का मन नहीं लगता बेटा। कब पढ़ेगा बेटा? आज 11 जून है, केवल 1 महीने एग्जाम बचा है बेटा। इस समय अगर किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पिक्चर देखने में केवल लगता है, बदमाशी करने में लगता है, तो बेटा फिर तो खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ये सब शब्द अब नहीं होने चाहिए बेटा। हाँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तो मतलब 32 डेज 33 डेज बचे हैं बेटा, गिने हुए बच्चे हैं। तो अब बेटा अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिन रात एक कर डालो बेटा। ना सुधीर सर के सहारे आप अब रहो, ना निखिल सर के रहो, ना मैम के सहारे बेटा। इस समय खुद अपनी बेटा जिंदगी आप सोचो कि जो सर लोगों ने पढ़ाया है, मैम ने पढ़ाया है, उसको एकदम कंसंट्रेट होके यहाँ फेविक्विक से चिपकाना शुरू कर दो बेटा। एक एक स्टेप चिपकाना शुरू करो, कहीं से मिस ना होने पाए, क्योंकि 17 जुलाई को फोड़ना ही फोड़ना है। रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि हम सब आपको घुसा देंगे दिमाग में बेटा। मेन क्लास में एक एक चीज़ बताया जाता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती बेटा। बस एक मोटे तौर पे जो हो सकता है वो पॉसिबल है बेटा, और बहुत डेप्थ में नहीं जाया जा सकता है, किसी का डेरिवेशन यहाँ नहीं किया जा सकता रिफ्रेक्शन में बेटा। तो इसलिए पढ़ाई पे सारे बच्चे ध्यान दें, अब ये सब बातें नहीं होना चाहिए बेटा। वो सपना देखो बेटा कि जिस दिन आप पहले दिन 17 जुलाई का पेपर फोड़ के आओगे और ये आ जाएगा कि अरे यार अब तो सफ़ेद गाउन मिलना ही मिलना है, अब तो सफ़ेद गाउन मिलना ही मिलना है बेटा। जिस दिन आप 600 प्लस नंबर लेके आ जाओगे, उस दिन बेटा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अब तो कोई कॉलेज मिलना ही मिलना है। और वो सुकून बेटा आपको जो देगा उस दिन से और पूरी लाइफ तक, उसकी जिस दिन कल्पना कर लोगे बेटा, उस दिन नींद नहीं आएगा उस दिन से। इसीलिए मेहनत करो बेटा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कोई किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तुरंत दवा लो बेटा, 1 घंटे भी कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए।
सारे लोगों से कट जाओ बेटा, मैं 3 महीने से चिल्ला रहा हूं, इस समय वो टाइम है कि आप सारे दुनिया से आइसोलेट हो जाओ, कोई लेना देना नहीं बेटा, आपका कोई शकल ना देखे, जो आपके पास 35 डेज बचे हैं, और 17 जुलाई के बाद खूब इंजॉय करो बेटा, क्योंकि जब आपके 600 नंबर हो जाएंगे तो गारंटी है बेटा गाउन मिलना ही मिलना है। उस इमेज को बेटा आप लेके आओ अपने दिमाग में, नींद आएगा ही नहीं बेटा कभी। तो बहुत ताकत लगा दो बेटा, आप टाइम नहीं बचा है, किसी के सहारे नहीं रहो, खुद अपनी नैया पार करना है बेटा। हम लोग बस आपको बूस्टअप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ डाउट हो बेटा उसको अपने से सॉल्व करो, पूछो, वीडियोस देखो, दिन रात इसी में लगे रहो बेटा, ये ध्यान रखो, ठीक है बेटा। हाँ, और मशरूम बेटा ब्रेकिंग तो होता ही है, लेकिन इस समय बेटा कोई ब्रेकिंग जितना है वो सब भूल जाओ, अभी भी नए सिरे से ज़िंदगी एकदम जीना शुरू कर दो बेटा, दिन रात एक कर डालो। मैं कह रहा हूँ सफलता दूर नहीं है बेटा, आपकी झोली में होगा, व्हाइट गाउन आपका होगा 17 जुलाई के बाद बेटा, कोई ना कोई कॉलेज आपको बुला के कहेगा आ बेटा एडमिशन लो मेरे यहाँ, क्योंकि 600 नंबर बॉर्डर लाइन है, जैसे 600 प्लस आने लगे बेटा मुझे अच्छे कॉलेज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप 610 हैं तब भी कॉलेज मिलना है, 615 है तब भी मिलना है, 600 के नीचे ना आए बस बेटा, तो इसीलिए एकदम ताकत लगा दो। हाँ चले, तो बिल्कुल कहीं से बेटा बट नाट ना रहे, और अब एकदम मेहनत करो सारे बच्चे, कम से कम कन्फ्यूजन रहे, जहाँ कन्फ्यूजन हो बार बार बेटा वीडियोज को देखो, बार बार उसको पढ़ो बेटा, इतने क्वेश्चन करा दिए गए हैं फिजिक्स में, इतने कॉन्सेप्ट बेटा, और ये 25 तारीख तक जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा बेटा, अभी बस 2-3-4 लेक्चर का और क्लास है, ख़त्म हो जाएगा पूरा माल्डन, मैं एक ही दिन में पढ़ा दूंगा बेटा, माल्डन इतना आसान है बेटा कि आपके जबान पे है, एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन क्वेश्चन कराऊंगा, एक दिन सेमी कंडक्टर हो जाएगा, एक दिन बेब ऑप्टिक्स होगा, और उसके बाद रोय ऑप्टिक्स और बेब ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल होगा। तो 4 से 5 क्लास की हमको ज़रूरत है, और 3 क्लास जो हमारा बचा हुआ है उसकी ज़रूरत है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इसके बाद बेटा पूरे 11th का एक दिन, पूरे 12th का एक दिन, फिर ऐसे 11th का एक दिन, 12th का एक दिन, ये बेटा कम से कम 14 जुलाई तक कॉन्टीन्यूअस हम लोग चलते रहेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि जितना नीट में पेपर आया हुआ है उसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसके बाद एक्सटर्नल जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कर लेंगे बेटा। तो इस तरीके से विदाउट चैप्टर ब्रांच वाइज हम लोग चलेंगे बेटा, तो इसलिए मेहनत करो, कहीं से बट नॉट नहीं होना चाहिए। खैर आप लोग कर भी रहे हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो चले बेटा, देखो रिफ्रैक्शन में क्या हो गया कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी अनचेंज होगा। अब आपको यह बताना है बेटा, ये कौन सा मीडियम होगा? अगर रिफ्रैक्टेड रेज बेटा टूवर्ड्स नॉर्मल होगा तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, हाँ हाँ आनंदी, कैसे मार्क्स को इंक्रीज किया जाए बेटा? 640 आ रहे हैं बेटा, इसको अभी बेटा 50 नंबर का टारगेट ऑल लेके चलो, बायो को एकदम रट के बैठ जाओ बेटा, एकदम जबान पे कर डालो, फाइनल इस समय बायो हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री आसान है, पूरा खा जाओ बेटा, और फिजिक्स में कम से कम बेटा 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। अगर 40 टारगेट लेके चलोगे, मेहनत कर डालोगे, तो कम से कम हम लोग बेटा 37-35 तक हो जाएगा, और अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हम 35 प्लस करके आएंगे, दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन रोक नहीं सकती बेटा, इसीलिए मेहनत करो। और अभी जो टाइम बचा है बेटा, हम और आपको मेहनत कराएंगे तो ज़रूर कुछ हो जाएगा, निश्चित है। वेरी गुड बेटा, ये कौन हो गया? डेंसर हो गया, और ये कौन हो गया? रेयर हो गया। ओके गुड, चल डेविएशन का कॉन्सेप्ट बेटा याद होगा, सारे बच्चों के जबान पे होगा, मिरर का हो चाहे लेंस का हो बेटा, चाहे मिरर का हो,
बेटा याद होगा डिविएशन का कॉन्सेप्ट, याद होगा चाहे लेंस का हो, चाहे प्लेन मिरर का हो, चाहे प्रिज्म का हो। बेटा इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाते हैं, अंतिम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से बना हुआ एंगल डिविएशन होगा। अगर यहाँ पे डिविएशन लाना है बेटा तो इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दें, इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दें, जो अंतिम रिफ्रैक्शन से बनेगा वही क्या हो जाएगा, डिविएशन हो जाएगा। तो चले हम लोग का समय थोड़ा ख़राब हुआ है, जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। यही बेटा क्या बन गया है, यही एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा। ये आई है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो डिविएशन बराबर क्या हो जाएगा, डेल का मान हो गया आई माइनस क्या हो गया, आर हो गया। बेटा बिल्कुल एकदम सही। चल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हमें पता है, जल्दी जल्दी बस देखते रहो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या देता है बेटा, किसी भी मीडियम में लाइट की कैसे स्पीड कम ज़्यादा होगा जो डिसाइड करता है उस फैक्टर को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी फिल करें बेटा। एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट में बेटा लाइट एयर से किसी मीडियम में जाता है तो म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई बी होता है बेटा, सी बाई बी। और हम लोग जानते हैं ये तो रेशियो हो गया, ये सी हो गया, बी बराबर एन लेमडा हो जाएगा, इसीलिए म्यू इन्वर्सली क्या पढ़ा जाता है, वन लेमडा के पढ़ा जाता है बेटा। म्यू बराबर वन अपॉन लेमडा, और यहाँ से म्यू इन्वर्सली क्या पढ़ा जाता है, वन अपॉन बी पढ़ा जाता है। बिल्कुल बेटा, रिलेटिव में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो म्यू बराबर होता है बेटा बी वन अपान क्या हो जाता है, बी टू हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था, म्यू बराबर बी वन अपान क्या हो गया, बी टू हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है बेटा, ये होता है म्यू इन्वर्सली हो गया है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल लेमडा हो गया, इन्वर्सली क्या हो गया, वन अपान बी हो गया। क्लियर है बच्चे, यानी हम कह सकते हैं कि B2 अपॉन B1 बराबर हो गया लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 बराबर हो गया, जरूरत होने पे बेटा म्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगा, ये हमको पता है। गुड, चलो 1 म्यू 2 को कैसे पढ़ा जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी फिल करें। 1 म्यू 2 को क्या पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फटाफट साथ में आए बेटा, हैदर साथ में आओ, मशरूम बेटा साथ में आओ, और मशरूम अपना ओरिजिनल नाम लिखो बेटा, है ना। हाँ, अब कभी मशरूम रख लोगे, कभी इसके बाद बेटा आलू रख लोगे, बैगन रख लोगे, तो कैसे पता चलेगा ओरिजिनल नाम बेटा आपका हमें याद होगा, तो आप ओरिजिनल नाम पे आओ बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मीडियम, इसको क्या पढ़ा जाएगा, आदित्य सर करेंटली आई एम 11th स्टूडेंट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफलाइन कोचिंग, व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट शुड इट पुट इन क्लास 11th सो दैट आई विल नॉट हैव प्रेशर इन 12th। बेटा अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, और ऑफलाइन जहाँ भी जिस शहर में हो बेटा आप पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन भी आप करते रहो बेटा, क्योंकि ऑफलाइन कुछ दिन के बाद 11th वालों को ऐसे गोल कर दिया जाता है बेटा। 11th 12th की बोर्ड की किसी भी एग्जाम में बेटा, किसी भी कोचिंग में, बस केवल फॉर्मेलिटी किए जाते हैं कि डेरिवेशन कराए जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ये मान के कि अभी आप छोटे बच्चे हो बेटा, इसीलिए आप अपने प्रिपरेशन को करते रहो कहीं से भी बेटा। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बेटा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। सारे बच्चों को एकदम जबान पे होगा, जो हमारा राइट में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो लेफ्ट में होता है उसका विथ रिस्पेक्ट होता है। और इसको लिखा कैसे जाएगा बच्चों, वन म्यू टू को कैसे लिखा जाता है, यस वेरी गुड वेरी गुड बेटा। वन म्यू टू को बेटा जो राइट में होता है वो ऊपर होता है, जो लेफ्ट में होता है वो नीचे होता है, तो वन म्यू टू को म्यू टू अपान म्यू वन पढ़ा जाएगा। बिल्कुल याद है, म्यू टू अपान म्यू वन पढ़ा जाएगा, और म्यू इन्वर्सली वन अपान बी होता है, तो इसको पढ़ा जाएगा बी वन अपान बी टू लेमडा वन अपान लेमडा टू बेटा। बिल्कुल एकदम सही। चलें, ये रिवर्सिबिलिटी को बेटा फॉलो करता है, याद होगा वन म्यू टू बराबर वन अपान टू म्यू वन होता है। अगर ये ए म्यू जी है तो इसको जी म्यू वन के लिखा जाता है, जी म्यू ए। रिवर्सिबिलिटी याद है बेटा कि अगर ए म्यू जी है तो वन अपान जी म्यू ए हो जाएगा। अगर तीन मीडियम है बेटा, अगर तीन मीडियम है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला बेटा, तो
तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 1μ2 हो जाएगा, 1μ2 इंटू हो गया बेटा 2μ3 हो गया, ये हो गया हमारा 2μ3 इंटू हो गया बेटा 3μ1 हो गया, बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट एकदम जबान पे होगा। तीन मीडियम के लिए अगर पढ़ना है तो पहला दूसरा तीसरा पहला बेटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। किसी को भी रिवर्स करना है 1/1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ, यस, गुड। ये बेटा हवा, ग्लास और वाटर लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है और वाटर का 4/3 होता है। अगर हवा, ग्लास, वाटर लिखा हुआ बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा aμg हो जाएगा, gμw हो जाएगा और wμa हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा सारे बच्चों को। चूंकि आपको टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए हम जान रहे हैं कि आपको आता है पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला। तो हवा, ग्लास, ग्लास वाटर और वाटर हवा, और सीक्वेंस इनका फिक्स है बेटा। हवा में ग्लास है, ग्लास में पानी है बेटा, पानी के स्थान पे लिक्विड हो सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप दिखाएं बेटा। लाइट पास कर रहा है हवा से लिक्विड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, डिविएशन 15 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा। हवा से लिक्विड में जा रहा है, इसका मतलब है डेंसर मीडियम अभी जस्ट पढ़ा गया है, डेल बराबर I-R बेटा, अभी यही पढ़ा गया है डिविएशन। जब हवा से रेयर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है बेटा, तो डिविएशन डेल बराबर I-R होता है। डेल का मान 15 दिया है, ये I का मान 60 हो गया, माइनस R हो गया बेटा। तो यहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं, R बराबर कितना हो गया है, 45 हो गया है, इसने ला लगा देंगे, साइन I अपान साइन R हो गया बेटा, ये हो जाएगा साइन 60 अपान हो गया साइन 45 हो गया, साइन 45 रख दोगे बेटा तो ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए बेटा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन इसका सी पॉसिबल है 1.22। चलो ये क्वेश्चन बताएं बेटा, जल्दी से आंसर बताएं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ईयर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताना है। वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तुरंत हम लोग लिखेंगे aμg लिखेंगे, gμw लिखेंगे, इंटू बेटा wμa लिखेंगे, बराबर 1। हमें क्या लाना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें लाना है बेटा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, gμw का मान लाना है। तो बहुत आसान है, सब दिया हुआ है। ग्लास का हवा के रिस्पेक्ट में 3/2 दिया है, gμw बराबर हो गया इंटू मल्टीप्लाई कर दिया गया बेटा wμa का। अच्छा, wμa इसको उल्टा करना है बेटा, तो aμw दिया हुआ है 4/3, तो ये हो गया 3/4 बराबर 1। देखो उल्टा हो गया क्वेश्चन में, aμw दिया है बेटा, aμw बराबर 4/3 है, और जब हम wμa लाएंगे तो ये 1/aμw हो जाएगा, तो बराबर बेटा 3/4 हो गया। तो यहाँ से gμw बराबर कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/9। यस, बिल्कुल बेटा 8/9, गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है पैरेंट रेक्टेंगुलर स्लेब बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल पूछा गया है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल पूछा गया है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल। ये डेंसर मीडियम है, ये √2 हो गया है, ये इंसिडेंट रेज है बेटा, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे नॉर्मल डाला गया, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है, ये हमारा आर बना है, ये हमारा आई हो गया है, और ये डेंसर मीडियम है तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया, हाँ ये हमारा हो गया बेटा अबे फ्राम हो गया है, ये हमारा रिफ्रैक्ट हो गया है, रिफ्रैक्ट।
यही एंगल पूछा है, ये आर है, ये एंगल की वैल्यू पूछा गया है बेटा। इसमें क्या निकालना है, फाइंड थीटा निकालना है बेटा। बच्चे देख लें, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड यानी थीटा की वैल्यू निकालना है। आई का मान दिया है बेटा, ये अंडर रूट टू दिया है, यही पे स्नेल्ला लगा दो बेटा। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर होगा, आई का मान दिया है, आर का मान पता चल जाएगा, इसको आर वन कह दो, दो आर है हो गया बेटा, इसको आर वन कह दो। तो ये म्यू वन है, ये हमारा म्यू टू है, इसने अल्ला लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन हो गया 45 डिग्री पर है, 45 बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू हो गया साइन आर वन हो गया। यहाँ से ये बन गया है वन अपान अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट टू साइन आर वन हो गया, वन अपान टू हो गया, तो आर वन का मान साइन आर वन 30 हो गया, तो वन बाई टू हो गया, तो बेटा 30 डिग्री हो गया, आर वन का मान हमारा 30 डिग्री हो गया बेटा। आई और आर बच्चे क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखें एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब आंखें देख रही होंगी बेटा कि आर प्लस थीटा प्लस आर वन 180 के बराबर है, आर प्लस थीटा प्लस आर वन 180 के बराबर है, ये पूरा 180 है, आर दिया है आर वन दिया है, थीटा की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो कितना हो गया है, सीधा दिख रहा है आर प्लस थीटा प्लस आर वन बराबर हो गया 180 के बेटा, आर का मान 45 है और थीटा लाना है, प्लस हो गया बच्चे कितना है 30 है, बराबर हो गया 180 है, तो यहाँ से थीटा बराबर 75 हो गया, तो ये बराबर हो गया 105 बेटा। तो आंसर कितना हो गया 105। तुम लोगों का कैलकुलेशन बेटा कितना फास्ट है, क्वेश्चन देखते ही बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया था 105। चलो मैचिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैचिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो याद होगा हमने मेन क्लास में डिफरेंट स्लेब पढ़ाया था बेटा, याद होगा मेन क्लास में डिफरेंट स्लेब हमने पढ़ाया था बच्चों, डिफरेंट स्लेब, और ये भी प्रूफ किए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंट था। यहाँ पे तो तीन ही है, वहाँ पे हमने चार पांच लिया था बेटा मीडियम। इस पे स्नेल्ला लगा दोगे आर वन आ जाएगा, इस पे लगा दोगे बेटा जो आर वन ये होगा वही ये बनेगा, यहाँ लगा दोगे आर टू हो जाएगा बेटा, यही सब पूछा है, डायरेक्ट साइन आर वन साइन आर टू पूछा है। और अंतिम देखो क्या पूछा है, आइस का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो अभी जस्ट निकाला गया है बेटा, आइस का दिया हुआ है और वाट इसका ग्लास का दिया हुआ है, इसको 3/2 पढ़ो, इसको 4/3 पढ़ो बेटा, करोगे तो इसको आ गया, तो सी का तो डायरेक्ट दिख रहा है 3 बेटा, सी का डायरेक्ट दिख रहा है 3, तो बना लेना बेटा, यहाँ पे स्नेल्ला लगा देना, आपका साइन आर वन हो जाएगा, जो आर वन ये होगा वही आर वन ये होगा, यहाँ लगा देना साइन आर टू हो जाएगा, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सी वाले का तो आंसर दिख रहा है। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस यानी आइस किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आइस अपान म्यू ग्लास हो गया। आइस कितना दिया हुआ है 4/3 और ग्लास का कितना दिया हुआ है 3/2, तो ये बन जाएगा बेटा 8/9 हो गया। तो पहला तो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है सी का 3, और सी का 3 दो ऑप्शन है बेटा, और चेक कर लेना, यहाँ पे स्नेल्ला लगा देना सीधा आर वन आ जाएगा, यहाँ पे स्नेल्ला लगा देना आर टू आ जाएगा बेटा। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी होगा, चल गुड, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है एक ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहा है, और पहला भी दिख रहा है साइन आर वन, एक ऑप्शन वन ही दिख रहा है बेटा, ए का टू, क्योंकि साइन 60 है, साइन आर वन है, म्यू आइस का मान दिया हुआ है, तो टू हो जाएगा। चलें, लैटरल शिफ्ट की बात हुई थी बेटा, लैटरल शिफ्ट की बात हुई थी, याद होगा बेटा लैटरल शिफ्ट, ये इंसिडेंट रेज है, ये स्लेब है, ये बेटा रिफ्रेक्ट हुआ है, ये इमरजेंट हुआ है, याद होगा इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दो, इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दो, अंतिम इमरजेंट से जो बीच का गैप होगा वही क्या हो जाएगा, लैटरल शिफ्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दो, अंतिम इमरजेंट से जो सेपरेशन होगा बेटा वही क्या होगा, लैटरल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें बेटा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको भूला हो, इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दें बेटा, तो ये जो बीच का गैप होगा यही क्या हो जाएगा, लैटरल शिफ्ट हो जाएगा बेटा, एकदम सबके जबान पे होगा, ये हमारा लैटरल शिफ्ट हो जाएगा। और फार्मूला क्या था,
टी साइन आई माइनस आर, बिल्कुल एकदम बच्चों के एकदम जबान पे है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर था बेटा, ये लेटरल शिफ्ट का फार्मूला था और कॉन्सेप्ट एकदम जबान पे होगा बेटा। चलो लेटरल शिफ्ट ही पूछा गया है, जल्दी से टिक लगा दो बेटा, लेटरल शिफ्ट ही पूछा गया है। लेटरल शिफ्ट का फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूले पे रख दो। एक्स बराबर हो गया बेटा टी हो गया है, साइन हो गया है आई माइनस आर, अपान हो गया बेटा कॉस आर हो गया है। टी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर हो गया है, साइन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, ये बेटा 30 हो गया है, अपान हो गया है कॉस 30 हो गया। सॉल्व कर लेना जो आंसर आए बेटा। रजत धामेजा, सर बेब ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा ऑप्टिक्स में क्वेश्चन ही कठिन नहीं आता है, बेब ऑप्टिक्स तो सबसे आसान है। इंटरफेरेंस बच्चे के जबान पे याद होता है, डिफ्रेक्शन में 3 फार्मूले हैं, पोलराइजेशन में 2 फार्मूला है, कहाँ से बाहर से कहाँ से आएगा बेटा। फिजिक्स में एनसीईआरटी का कोई लेना देना बहुत नहीं है बेटा, फिजिक्स में एनसीईआरटी का कोई बहुत लेना देना नहीं है, केवल बायो और केमिस्ट्री लाइन टू लाइन बेटा खा जाओ, फिजिक्स में बेटा कोई बहुत ज़रूरत एनसीईआरटी की नहीं है, ध्यान रखना। तो सारे बच्चों का ऑप्शन आ रहा है कि सेकंड ऑप्शन 3√3। बच्चों याद होगा एप्रियंट शिफ्ट डेप्थ का, एप्रियंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बेटा, एप्रियंट डेप्थ का, एप्रियंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट, बच्चों याद होगा ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर हमारा रेयर मीडियम में हो, तो ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऐसे गया एक ऐसे गया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गया, ये ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इमेज बनता है, याद होगा, लैंग्वेज भी आपका क्लियर होगा बेटा। इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पर देखो क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है बेटा, यहीं पे इमेज बनता है, ये कैपिटल आई होता है, इसको हम लोग पी कह देते हैं। बस इसमें आप ये बता दो बेटा कौन सा एप्रियन डेप्थ है और कौन सा एप्रियन शिफ्ट है बेटा, बच्चे कौन सा एप्रियन डेप्थ है? प्रियांशी न्यूमेरिकल सेशन बेटा बेब ऑप्टिक्स पढ़ाने के बाद एक साथ बेब और रे का होगा, क्योंकि बेब ऑप्टिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं हैं, तो 10, 12, 15 न्यूमेरिकल बेब ऑप्टिक्स के हो जाएंगे और 10, 15, 20 न्यूमेरिकल बेटा इसके रे ऑप्टिक्स के हो जाएंगे, तो दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे बेटा। कौन इसमें नाम लिखें बेटा, कौन एप्रियन डेप्थ है, कौन एप्रियन शिफ्ट है? प्रियांशी मुझे ये चाहिए बेटा कि कौन एप्रियन डेप्थ है, कौन एप्रियन शिफ्ट है? आई ओ एप्रियन शिफ्ट है, यस बिल्कुल, और पी आई हमारा एप्रियन डेप्थ है, एकदम बेटा आपका जबान पे क्लियर है। सरफेस से इमेज का जो डेप्थ होता है वो एप्रियन डेप्थ होता है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज होता है वो एप्रियन शिफ्ट होता है, तो ये एप्रियन डेप्थ हो गया बेटा और ये हमारा एप्रियन शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल एकदम रेडी है। म्यू बराबर क्या होता था सॉल्विंग के बाद बेटा, फटाफट बताते रहो जिससे हो जाए क्लास। सॉल्विंग के बाद बेटा म्यू बराबर क्या आया था, एप्रियन डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ आया था बच्चों, सॉल्विंग के बाद क्या आया था? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। यहां पे रियल भरना है या एप्रियंट, रियल या एप्रियंट, म्यू बराबर रियल और एप्रियंट, ओ सारे बच्चों को याद है एकदम, म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एप्रियंट डेप्थ होता है, बिल्कुल एकदम बेटा। और यहाँ पे ये भी आपको भरना है कि जो एप्रियंट शिफ्ट आया था वो रियल डेप्थ 1 माइनस कितना यहाँ लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, ओ वेरी गुड, 1 अपान म्यू भरना है, बिल्कुल बेटा हम आपसे एग्री हैं, 1 अपान म्यू भरना है, बिल्कुल बेटा याद होगा बेटा। हमने 2 केस और कराया था, 2 केस कौन सा कराए थे कि जब ऑब्जर्वर सरफेस पे हो और ढेर सारे छोटे छोटे बेटा मीडियम हो, μ1 T1 थिकनेस का, μ2 T2 थिकनेस का, μ3 T3, तो नेट एप्रियन शिफ्ट क्या हुआ था बेटा,
पहले का टी वन ब्रेकेट में वन माइनस वन अपान म्यू वन प्लस टी टू वन माइनस वन अपान म्यू टू प्लस टी थ्री वन माइनस वन अपान म्यू थ्री, इस तरीके से नेट शिफ्ट आ गया था और एक नेट एप्रियन डेप्थ आया था बेटा, कितना आया था रियल अपान म्यू। तो टी वन अपान म्यू वन प्लस टी टू अपान म्यू टू प्लस टी थ्री अपान म्यू थ्री प्लस टी फोर अपान म्यू फोर सबका समेशन करते जाते थे बेटा, वो हमारा कौन आया था नेट एप्रियन डेप्थ आया था, याद होगा क्वेश्चन, और क्लास में कई क्वेश्चन भी कराए गए थे। दूसरा याद होगा बेटा, जल्दी से देख लो, दूसरा याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में हो तो म्यू के स्थान पे वन अपान म्यू पढ़ते हैं बेटा, और वन अपान म्यू बराबर रियल अपान क्या होता है एप्रियंट होता है। याद होगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो म्यू के स्थान पे वन अपान म्यू पढ़ते हैं और वन अपान म्यू बराबर रियल अपान एप्रियंट होता है, और एप्रियंट शिफ्ट बराबर क्या आया था रियल डेप्थ ब्रैकेट में म्यू आया था, और याद होगा बेटा शायद क्या आया था म्यू माइनस वन आया था, शायद बिल्कुल आपको याद होगा बेटा एप्रियन शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ ब्रैकेट में म्यू माइनस वन, एकदम सही। चल ये क्वेश्चन आप फट से बताओ कि जो रेशियो रियल अपान एप्रियन डेप्थ है वो किसके बराबर है। हाँ बिल्कुल बेटा माइनस वन, बिल्कुल बहुत कठिन पेपर आएगा बेटा, तो 45 में पांच क्वेश्चन कठिन आएंगे, हम उस पांच की तरफ नहीं समय खराब करेंगे, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए बेटा। तो कोशिश करो, ये टारगेट ले लो, कुछ भी हो जाए फिजिक्स में मुझे 35 से 40 क्वेश्चन करना ही करना है एनी हाउ। ओ सारे बच्चों का एक लाइन से आ गया है कि सर ये लिखा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये म्यू होता है, डेंसर से रेयर की बात होती है बेटा, बिल्कुल एकदम म्यू बराबर रियल अपॉन एप्रियंट कौन होता है डेंसर से रेयर की बात होती है, गुड बेटा। क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट कब होता है जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में हो तब बेटा देखो जब आई लाइट को डेंसर मीडियम से डाला जाता है तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे बेटा रिफ्रेक्टेड रेज 90 डिग्री पे रिफ्रेक्टिंग एंगल हो जाए बेटा, उस एंगल इंसिडेंस को क्या कहा जाता है क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रेक्टिंग एंगल बेटा 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो याद होगा एकदम जबान पे स्नेल लॉ लगाया जाता था तो म्यू बराबर वन अपान साइन थीटा सी आया था, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स वन अपान म्यू आया था, और याद होगा बच्चों ये रिजल्ट आया था क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, इनवर्सली वन अपान म्यू के। बिबग्योर में जिस कलर का लैम्डा ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, इसीलिए रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा, ये बेटा आपको बना के सब दिखाया गया था लिखाया गया था बेटा, तो आपके जबान पे होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा बेटा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तो उसी मीडियम में लाइट वापस हो जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है TIR, और TIR का मैथमेटिकल कंडीशन याद होगा बेटा I इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया थीटा सी। बच्चों मैंने इक्वल क्यों लिया है क्योंकि इक्वल पर भी TIR फॉलो हो जाता है, तो ध्यान रखना इक्वल भी पॉसिबल है और ग्रेटर तो है ही है बेटा, तो TIR पे I इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या बन जाएगा थीटा सी हो जाएगा। और याद होगा एप्लीकेशन में पोरो प्रिज्म होता है, जो पोरो प्रिज्म होता है बेटा वो फ्लिंट ग्लास का बना होता है और उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। हम लोगों ने जब उस पर रेज डाला था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री का था, जो हमारा लेंस बना है वो फ्लिंट ग्लास का है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सॉरी क्रिटिकल एंगल हमारा 42 डिग्री था, तो 45-42 से बड़ा है इसका मतलब है बेटा रेज उसी मीडियम में वापस आएगा और TIR को फॉलो करेगा। याद होगा मैंने बना के दिखाया था और नीट में 2-3 वही सब क्वेश्चन आए हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया था और चेक करना था रेड वायलेट ब्लू का बेटा कौन TIR होगा कौन नहीं होगा, जो क्वेश्चन कराया भी गया है। ये पोरो प्रिज्म है बेटा, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सॉरी क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, जब इस पे लाइट डाला गया नॉर्मल डाला गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है जो 42 से बड़ा है बेटा, इसीलिए लाइट उसी मीडियम में क्या हो गया वापस हो गया, इसी को TIR कहा गया।
फील्ड ऑफ बिजन भी पता होगा बेटा, याद होगा, फील्ड ऑफ बिजन ऑफ फिश याद होगा। मछली रानी पानी के अंदर थी और इस पूरे दुनिया को देखना चाहती थी बेटा, तो ये क्या था याद करो, एक डिस्क बनता है, एक डिस्क बनता है बेटा। इस डिस्क का रेडियस पूछा जा सकता है, डायमीटर पूछा जा सकता है, सरफेस से मछली रानी की गहराई एच होता है। ये देखो क्रिटिकल एंगल हो गया क्योंकि लाइट देखो ऐसे रिफ्रेक्ट हो गया बेटा, तो ये हमारा एंगल कितना आ गया है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री बेटा। जब इसको सॉल्व किया गया था तो बच्चों याद होगा रेडियस ऑफ डिस्क या कोन कितना आया था, आर बराबर एच, यहां क्या फिल करना है। रितिका, क्योंकि ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि जब हम म्यू बराबर रियल अपॉन एप्रियंट होगा, डेप्थ होगा बेटा, रियल अपॉन एप्रियंट होगा, तो जो म्यू की वैल्यू होगी बेटा वो डेंसर से रियर के रिस्पेक्ट में लेंगे बेटा, डेंसर से रियर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा रियर में होता है और ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में, तो बी ऑप्शन ही बेटा रितिका हो सकता है। यस, सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है, आर बराबर आया था एच टैन थीटा सी आया था, और जब इसको सॉल्व किया गया था तो सारे बच्चों के जबान पे है म्यू स्क्वायर माइनस वन हो गया। अगर इसका डायमीटर निकालना है बेटा, बिल्कुल एकदम डायमीटर ऑफ डिस्क निकालना है, तो ये बराबर 2R के हो जाएगा। एकदम मस्त बेटा, आपका एकदम क्लियर है, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, बिल्कुल बेटा। चलिए लेंस की बात करते हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा। लेंस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होगा। पहले ही मैंने आपको ट्रिक बता दिया है बेटा कि लेंस मिरर को फॉलो करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और जो बेटा कॉनकेव लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर को फॉलो करेगा। तो जब कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर को फॉलो करेगा, तो कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों बना था बेटा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हुआ था बेटा, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होगा। ट्रिक आपको याद होगा बेटा, मैंने बताया था, बस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता था तो कॉन्वेक्स लेंस का बेटा पॉजिटिव होता है, बस इतना ही अंतर है। तो नेचर ऑफ इमेज कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होगा बेटा, नेचर ऑफ इमेज इसका कैसा होगा, वर्चुअल भी होगा और बेटा रियल भी होगा, वर्चुअल होगा रियल होगा। वर्चुअल केवल एक ही पोजीशन पर होगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में बना होगा, तो लेंस के सामने बनेगा, याद होगा मेन क्लास में स्लाइड बना के दिखाए थे, लेंस के सामने बनेगा और लार्ज साइज का बनेगा, वहां भी लार्ज बना था लेकिन मिरर के पीछे बना था, यहाँ लेंस के सामने बनेगा बेटा, वर्चुअल और रियल दोनों बनेंगे। फोकल लेंथ इसका बेटा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल एकदम जवान पे होना चाहिए। कॉनकेव लेंस में बेटा नेचर ऑफ जो इमेज होगा ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज बेटा सारे बच्चों के जबान पे होगा, कॉनकेव लेंस में नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगा बेटा, वर्चुअल। फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा बेटा, इसका फोकल लेंथ का, सॉरी फोकल लेंथ इसका कैसा बेटा, निगेटिव होगा। चलें डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, आर वन और आर टू का नेचर बताना है बेटा, डबल कॉन्वेक्स लेंस में आर वन आर टू का नेचर बताना है। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस चार प्रकार के हुआ था, डबल कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केबो कॉन्वेक्स लेंस। बार बार बेटा यही जरूरत होता है क्वेश्चन में, आप इतना क्वेश्चन आपको कराया गया है, लेंस मेकर फार्मूला होता है और लेंस फार्मूला एक बनता है बेटा, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन उसी तरीके से होता है, तो जो बच्चा मिरर पे कॉन्फिडेंस रखता है वो लेंस पे भी रखता है। तो देखें आर वन और आर टू का नेचर कैसा होगा बेटा, यस एकदम क्लियर है बेटा, आर वन का नेचर हमारा पॉजिटिव होगा और आर टू का नेचर निगेटिव होगा। याद होगा मैंने ये भी सिखाया था कि जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस ही है, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, बस उसके फेस को पलट के ऐसे जोड़ दिया गया है बेटा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो पहले स्थान पे है, कॉन्वेक्स हमारा दूसरे स्थान पे है। ट्रिक याद करो बेटा, प्लेन एक बना दिया गया, इसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉन्वेक्स दूसरे स्थान पे है तो कॉन्वेक्स का दूसरा कट कर लो बेटा, कॉन्वेक्स का दूसरा, इसका नेचर निगेटिव है तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन वाले का इनफाइनाइट हो गया और इसका बेटा क्या हो गया, निगेटिव, बिल्कुल गुड।
कॉनकेबो कॉनवेक्स, कॉनकेबो ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान के बेटा याद होगा, देखो ये कॉनवेक्स बना और ये हमारा कॉनकेब हो गया, देखो ये कॉनकेब। तो कॉनवेक्स का पहला, कॉनकेब का दूसरा। इसका नेचर बेटा, इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका नेचर निगेटिव है। ऐसे बेटा ये वाला नेचर निगेटिव हो गया, ये वाला नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेबो कॉनवेक्स, कॉनकेबो का पहला, कॉनकेबो का पहला और कॉनवेक्स का दूसरा बेटा, कॉनवेक्स का दूसरा। ऐसे चांद की तरीके से बन गया। तो क्या हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, और दोनों का नेचर बेटा क्या बनेगा, कॉनकेबो का पहला, कॉनवेक्स का दूसरा बेटा, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, निगेटिव। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। डबल कॉनकेब की बात करेंगे, R1 का नेचर बेटा कॉनकेब है, ध्यान रखना, कॉनवेक्स ये बना हुआ है, डबल कॉनकेब है, ये निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका ये वाला फेस ये है और ये वाला फेस ये है, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूरा एक एक क्लास में बताया गया है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया बेटा, ये कौन हो गया, पॉजिटिव हो गया। प्लेनो कॉनकेव की बात करेंगे, प्लेनो पहले पर है, कॉनकेव दूसरे पर है, तो इसका R1 बना, ये बेटा R2 बना, बिल्कुल एकदम बेटा रेडी है आपका, ये R1 और R2 है, सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, जो कॉनकेव है वो भी कॉन्वेक्स है, बस फेस को जोड़ दिया गया है। R1 हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, R2 हमारा बेटा देखो कॉनकेव का दूसरा, कॉनकेव का दूसरा ये वाला देखो है, इसका नेचर पॉजिटिव है तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव। बार बार न्यूमेरिकल में यही जरूरत बनेगा। कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, कॉन्वेक्स का पहला लेंगे, कॉन्वेक्स का पहला हो गया, कॉन्वेक्स का दूसरा हो गया, ठीक उल्टा बन गया बेटा, ये R1 बना, ये R2 बना, दोनों का नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, R1 और R2 कैसा, पॉजिटिव। संदीप बस हो जाएगा बेटा, 2-3 दिन का ये क्लास हो जाए, संदीप बस ये जल्दी हो जाएगा बेटा, ये 2-1 दिन में खत्म हो जाएगा हम लोगों का पूरा टेस्ट, और इसके बाद बेटा हम जल्दी से आपको ये तीनों चैप्टर छोटे छोटे, इसलिए नहीं कोई टेंशन ले रहे हैं कि ये इतना छोटा चैप्टर है कि 1-2 दिन में दोनों हो जाएंगे बेटा, तो सुबह शाम मिला के दोनों पढ़ा देंगे, हो सकता है कि एक इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे या बीच में ही पढ़ा दें बेटा, हमें याद है संदीप, बिल्कुल परेशान ना रहो, हम 25 तारीख तक एनी हाउ बेटा पढ़ा ही देंगे, क्योंकि अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेंस फार्मूला होता है बेटा, हमें पता है लेंस फार्मूले में 1/b, क्योंकि काफ़ी दिनों से टल रहा है लापरवाही से बेटा, जल्द से जल्द मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि इतना आसान है कि एक बार पढ़ने के बाद बस फटाफट न्यूमेरिकल करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फैक्ट है वो याद करना है, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा बेटा जो अर्थमैटिज है उसमें भी फैक्ट है, उसको भी फार्मूला याद करना है, तो फटाफट कोशिश हमारी है तो जल्दी हम करा देंगे। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, 1/b - 1/u क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हमारा H2/H1 हो जाएगा, m बराबर b/u होता है, यहाँ पे माइनस फिल करें या प्लस बेटा, यहाँ पे माइनस या प्लस, मैग्नीफिकेशन में यहाँ माइनस या प्लस बेटा। हाँ संदीप याद भी करना है बेटा, इसीलिए जल्दी करा देंगे बेटा, जस्ट आप बहुत जल्दी, कोशिश हमारी होगी बस 2-3 दिन के अंदर हम आपको करा दें बेटा, बिल्कुल कह रहे हो आप, सही कह रहे हो बेटा, याद भी करना है, तो भले एक क्लास हम ये वाला क्लास ना लें, जल्दी से उसी को ले लें तो हम जल्दी करा देते हैं बेटा, बिल्कुल सही है, याद भी करना है भाई, क्योंकि उसमें हमारा केवल वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में आपको चीज़ों याद नहीं करना है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेज और अर्थमैग्नेटिज में टीचर हार जाता है, बहुत कुछ वो दिमाग नहीं अपना लगा पाता है, तो फैक्ट है जो आपको याद करना है, तो ऑप्शन में ले के चलना, कभी कभी एक क्वेश्चन आ गया है बेटा तो उसको तैयार कर लेना है, इसलिए हम चाहे ये क्लास भले बाद में लें उसको हम पढ़ा देते हैं जल्दी से बेटा, ठीक है। हाँ अंजलि बेटा याद करना होगा। हाँ नहीं नहीं मासूम बच्चे पे दया करते हैं, अब पहली प्रियॉरिटी बेटा, अब बहुत हो गया,
बहुत हो गया, कहते कहते हम भी हार गए और तुम लोग सुनते सुनते हार गए। पहला काम बेटा, जल्द से जल्द ये तीनों क्लास हमें लेना है। भले ये क्लास बाद में हो जाएगा चलेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सिलेबस बचा है, ये रिवाइज हो जाएगा, तो अब पहले इसको कर देना है भाई। हाँ, क्योंकि बच्चे को हमारे याद भी करना है भाई। हाँ, नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन बेटा, नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस में नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन रियल इमेज का कैसा होगा, वर्चुअल इमेज का कैसा होगा? तो रियल इमेज का बेटा मैग्निफिकेशन निश्चित है निगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज का निश्चित है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, हाँ नहीं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। किशन कल तो नहीं लेंगे बेटा, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हम भी सुन नहीं सकते हैं भाई। बच्चे कह दिए अब जल्द से जल्द लेना बेटा, और क्लास चाहे बंद करना पड़े, मतलब ये क्लास हम 2 दिन बाद भले पढ़ा दें, लेकिन अब इधर वाला हम जल्द से जल्द बेटा आपको पढ़ा देंगे। मतलब अब आपको मौका नहीं होगा कहने का, आज से मिशन शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द हम पढ़ा देंगे। क्योंकि याद करना है, बस मुझे लिखना है और आपको बताते चलना है। मेन मेन पॉइंट हम सब लिखेंगे, बस उतने ही याद कर लेना है, कोई उसमें डिग्री हासिल नहीं करना है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा कोई डिग्री हासिल करने वाली चीज़ है ही नहीं है। इतने फैक्ट हैं कि वही याद हो जाए बेटा तो बहुत बड़ी बात है, और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें बेटा, तो मैग्नीट्यूड भी हम कर लेंगे। हाँ, नहीं, अंजलि अब बिल्कुल बेटा पक्का करा देना, टेंशन नहीं लेना भाई। हाँ, अंजलि को भाई डॉक्टर भी बनना है, क्योंकि अब भाई मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है, लखनऊ से है, तो भाई कभी हम बीमार होंगे तो कम से कम इलाज कर देगी, है ना। हाँ, तो इन मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड में बेटा रियल के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका कैसा हो जाएगा अगर हम रियल इमेज की बात करें बेटा, रियल इमेज की बात करें तो बिल्कुल सारे रूल वही फॉलो करेंगे। एम का मान 1 होगा, एम का मान ग्रेटर देन 1 होगा, एम का मान लेस देन 1 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। दूसरा है, अगर वर्चुअल इमेज की बात करें बेटा, तो वर्चुअल इमेज में हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वर्चुअल इमेज में एम का मान बेटा 1 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 1 होगा। कोई शक नहीं ना बेटा। चलो, कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में लेस देन 1 होगा बेटा। सब आपके जबान पे होगा, कुछ करना नहीं है, हम केवल लिख रहे हैं फॉर्मेलिटी में बस। हाँ क्लियर है बच्चे। हाँ, लेस देन 1 बेटा। लेंस मेकर फार्मूला बेटा याद होगा, लेंस मेकर फार्मूला याद है, 1/f बराबर म्यू लेंस अपान म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने कहा था इस शब्द के चक्कर में नहीं रहोगे, अगर डबल कॉन्वेक्स है तो ये 2/r सीधा पढ़ोगे, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो 1/r पढ़ोगे, डबल कॉनकेव है तो -2/r पढ़ोगे, प्लेनो कॉनकेव है तो -1/r पढ़ोगे बेटा। तो ये चार हमने आपको बताया था 40 सेकंड के क्वेश्चन के करने के लिए। डबल कॉन्वेक्स 2/r, प्लेनो कॉन्वेक्स 1/r बेटा, प्लेनो कॉनकेव -1/r और डबल कॉनकेव बेटा -2/r, ये हमने आपको बताया था कि आप याद कर लेना, फटाफट वैल्यू रखना बेटा। चल, यहाँ पर यही लिखा है कि अगर इक्यू कॉन्वेक्स है तो बेटा 2/r, प्लेनो कॉन्वेक्स है 1/r, इक्यू कॉनकेव है तो -2/r बेटा, सब आपके जबान पे होगा। हाँ मैंने कहा था ये सब याद कर लेना बेटा, और अगर प्लेनो कॉनकेव है तो -1/r होगा, सब मैंने कहा था, R1 R2 के चक्कर में नहीं रहना है। जल्दी से एक क्वेश्चन कर दो। एक लेंस है जो फ्लिंट ग्लास का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
जब इसको लिक्विड में डिप किया जाता है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? यानी यफ टू को यफ वन के टर्म में पूछा है बेटा, यफ टू को यफ वन के टर्म में। यफ वन कहाँ पे है? हवा में है। तो दो इक्वेशन बनाओ बेटा, यफ वन पहले हवा में है तो यफ वन निकाल लो, फिर यफ टू मीडियम में है यफ टू निकाल लो। दोनों का बेटा आर वन अपान आर टू कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दो बेटा। याद होगा मैंने कहा था हमेशा अगर हवा से लेंस मीडियम में डाला जाता है तो दो इक्वेशन बनाया करो, दोनों डिवाइड कर दिया करो, वन अपान आर वन आर टू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बन गया बेटा, अगर हवा की बात किया जाए तो वन अपान एफ वन हो गया, सीधा ये बेटा बन गया हवा में है तो 1.1 हो गया, और ये बन गया बेटा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो गया, ये इक्वेशन वन बन गया। ऐसे अगर मीडियम की बात किया जाए, ये हमारा मीडियम हो गया है, ये हमारा मीडियम हो गया है, तो अगर मीडियम की बात किया जाए बेटा, ध्यान रखना यफ वन के रूप में यफ टू को निकालना है, यफ टू और यफ वन का रिलेशन बनाना है, वन अपान यफ टू बराबर हो गया है म्यू लेंस, म्यू लेंस बेटा 1.5 है और अपान 1.25 मीडियम है, माइनस वन हो गया है 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये इक्वेशन टू हो गया। दोनों को डिवाइड कर देना बेटा, यहाँ से एफ टू बराबर क्या निकाल लेना? एफ वन निकाल लेना बेटा, यही ब्रैकेट में जो संख्या आएगा यही नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। बस बेटा 15-20 मिनट का क्लास और है, तो ऑप्शन चेक कर लेना बेटा, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी, देख लेना बेटा सी पर लगाएं बेटा, कुछ बच्चों का बी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, चेक कर ले बेटा, खतरा नहीं लगाएंगे। डिवाइड कर लेना बेटा, यफ टू बराबर यफ वन, यहीं पे जो संख्या आएगा उतना गुना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ संख्या आ जाए बेटा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे चेक कर लो कौन सा आंसर है, क्योंकि कई बच्चों का बी ऑप्शन भी आ रहा है, निहारिका का भी आ रहा है, श्वेता का भी आ रहा है, चलो गौरी का भी, अच्छा हम एक बार सॉल्व कर दें, अच्छा भाई सॉल्व कर देते हैं, वेरियर हमसे सॉल्व करवा रहा है बेटा। तो ये हो गया है 1.5, ये हो गया 1/2 हो गया 1 अपान R1, चल बेटा हम भी रोते हैं, 1 अपान R2 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया भाई, ये हमारा 1 अपान F1 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1.5 हो गया, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 1.50 1.25, तो ये हो जाएगा 0.25 अपान 1.25, तो ये हो गया 25 1 25 हो गया बेटा, सीधा आ गया 25 का 1/25 हो गया, 1/6 हो गया बेटा, तो 1 अपान F2 बराबर हो जाएगा 1/6 हो गया है, ये हो गया 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, 0.25 ना बेटा, हाँ। तो ये हो गया, जब दोनों का डिवाइड किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपान F1 1 अपान F2 बराबर हो गया 1/2 और 6 ऊपर हो गया, 3 आ रहा बेटा, बच्चे देखो 3 टाइम्स आ रहा है, वन पॉइंट फाइव माइनस 1.25, तो ये हो जाएगा 0.25 होगा अपान बेटा 1.25 हो जाएगा, तो 0.25 अपान 1.25, तो 25 अपान 125 हो जाएगा, तो 2.5, तो ये हो जाएगा 1 अपान 5 हो गया बेटा, बी ऑप्शन बच्चे, बी ऑप्शन इंक्रीजेज बाय फैक्टर बी बच्चे, बी ऑप्शन बी बच्चे, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखो चेक कर लो, 1.25, तो ये 0.25 हो गया अपान 1.25, तो ये 25 अपान 125, तो 1/5 हो गया बेटा, ये डिवाइड कर दोगे 1/2, तो ये दिख रहा है बेटा 2.5 आ गया है, बिल्कुल 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 बी ऑप्शन बच्चे, बी वेरियर बी बेटा, यफ टू का मान इंक्रीज कर गया है 2.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5।
वॉरियर कंफर्म बेटा? हाँ बी। पावर बेटा हमको बहुत अच्छे से पता होगा कि पावर बराबर वन, 10 मिनट का क्लास है बेटा, पावर बराबर 1/f है। अगर पावर मेरा मीटर में होता है तो यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होता है। नेट पावर बराबर P1 + P2 + P3 + P4 होता चला जाता है बेटा। नेट फोकल लेंथ 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 होता चला जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय F1 और F2 का नेचर लिखा जाता है बेटा। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव होता है बेटा। अगर दो लेंस के बीच में सेपरेशन डी है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2 - DF1F2 हो जाता है, D/F1F2 हो जाता है। तो सब आपको याद होगा बेटा। नेट फोकल लेंथ आ गया 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। अगर दो लेंस के बीच का सेपरेशन डी है तब 1/F बराबर क्या होता है बेटा, हमको याद होना चाहिए। ये हो गया 1/F2 - D हो गया बेटा, F1F2 हो गया। पावर के रूप में पढ़ेंगे तो P1 + P2 - हो गया DP1P2 हो गया। तो एकदम याद होगा, कोई बट नॉट नहीं होगा। जितने भी फार्मूले ऑप्टिक्स में होते हैं सब विदाउट साइन कन्वेंशन होते हैं। न्यूमेरिकल करते समय साइन कन्वेंशन हमें यूज करना होगा बेटा। जल्दी से एक क्वेश्चन करो। पावर बाई कॉन्वेक्स लेंस का 20 डायोप्टर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बताना है। तो 1/F बराबर हो जाएगा μ - 1 हो जाएगा। EQ कॉन्वेक्स है तो 2/R हो गया। कुल मिला के बेटा म्यू लाना है, μ - 1 हो गया है, ये हो गया 2/R माने 5 हो गया बेटा। यहीं पर 1/F ले आओ, 1/F लाओगे बेटा, ध्यान रखना मीटर में लाना है। P बराबर दिया हुआ है, P बराबर 1/F के हो गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/20। कैसे आया बेटा, मीटर में आया है, सामने वाला सेंटीमीटर में है रेडियस, तो ये भी 100 सेंटीमीटर कर दो, / 20 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 1/5 हो गया। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर हो गया बेटा μ - 1 × 2 हो गया। सीधा ये बन गया 1 + 2 = μ के हो गया, तो म्यू बराबर सॉरी 2μ, तो ये हो गया है म्यू बराबर कितना हो गया, 3/2 बेटा। तो ऑप्शन हमारा बी। चलो बच्चे क्लियर है, ऑप्शन बी बेटा, यस सारे बच्चों का आ भी रहा है ऑप्शन बी। याद करो बेटा, लेंस को कट किया गया था, लेंस को कट किया गया था, पर जल्दी जल्दी एक बार मेमोराइज कर लो। लेंस को जब कट किया जाता है तो दो तरीके से होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया गया था, एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया गया था। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया गया था बेटा, तो कटे हुए का फोकल लेंथ ओरिजिनल से क्या रिश्ता रखता था, एफ कट क्या बेटा एफ ओरिजिनल के बराबर आया था? क्या बच्चों कटे हुए का फोकल लेंथ ओरिजिनल के बराबर आया था? और याद होगा 1/F ओरिजिनल आया था, μ - 1 हो गया था, 2/R आया था, तो यह बराबर आ गया था बेटा R/2μ - 1। याद होगा काटने के बाद बेटा ना उसका म्यू बदलता है ना R1 R2 बदलता है, और कटे हुए का फोकल लेंथ ओरिजिनल के बराबर होता है बेटा, याद होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया जाता है तो। क्लियर बेटा? ओके। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाता है बेटा, मैं कोई पिक्चर उच्चर नहीं बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट बस मुझे आंसर दो, क्योंकि आज जो ऐसा क्लास है जहाँ डायरेक्ट आंसर देना है, तो यफ कट कितना होगा बेटा ओरिजिनल के कितना होगा? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाएगा बेटा, तो कटे हुए का फोकल लेंथ ओरिजिनल से क्या रिश्ता रखता है बच्चों? हाँ रोहित बिल्कुल बेटा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, यस सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 2 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल बेटा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ओरिजिनल बेटा, बिल्कुल एकदम सही है इसका आंसर। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन कराए थे, ये सब लेंस हैं बेटा, सब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटे गए थे,
और सबको अरेंज करके रखा गया था, तो सबके फोकल लेंथ का रेशियो पूछा है बेटा। हाँ श्वेता बिल्कुल सही बेटा, जस्ट डबल हो जाता है, बिल्कुल बेटा। हाँ इंटेंसिटी सेम रहेगा, बिल्कुल रोहित। सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है एक बार याद दिलाने के लिए, ऑप्शन सभी का फोकल लेंथ रेशियो समान होगा बेटा। याद होगा जब लेंस के एक फेस पे सिल्वर कर दिया जाता है बेटा, किसी लेंस के एक फेस पर जब सिल्वर कर दिया जाता है बेटा, तो याद होगा दो लेंस बनते हैं और एक मिरर बनता है, दो लेंस बनता है एक मिरर बनता है। मिरर बेटा प्लेन भी हो सकता है, मिरर कॉनकेव भी होगा। जब वो मिरर बनेगा बेटा तो मिरर का नेचर लिया जाएगा, तो क्या बनता है याद होगा सारे बच्चों को, कोई बट नॉट नहीं बेटा, इसमें क्या बनता है, दो लेंस बनता है प्लस बेटा वन मिरर बनता है। सारे बच्चों को एकदम जबान पे याद होगा क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है पढ़ाए हुए, दो लेंस और एक मिरर हो गया बेटा। क्लियर बच्चे? यस। और याद होगा बेटा मिरर कॉनकेव होगा तो -r/2 होगा फोकल लेंथ, और अगर प्लेन मिरर होगा बेटा तो उसका फोकल लेंथ बेटा क्या हो जाएगा, रेडियस इनफाइनाइट होगा, तो फोकल लेंथ बेटा भी इनफाइनाइट हो जाएगा। यस गुड। चलें एक क्वेश्चन सामने है आप फट से कर दें। एक फोकल लेंथ है जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, याद होगा वहां पे दो सब केस मैंने दिखाया था, जब कर्व सरफेस पे पॉलिश कर दो और ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस के सामने रख दो बेटा, तब भी वो दो लेंस एक मिरर बनेगा। और दूसरा बताए थे बेटा कि प्लेन पे पॉलिश कर दो और कर्व के सामने ऑब्जेक्ट रख दो, तब भी दो लेंस और एक मिरर ही बनेगा, यानी वहां पे कोई डाउटफुल नहीं होगा, हमेशा दो लेंस और एक मिरर बनेगा ही बेटा। यस बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये क्वेश्चन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है, प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है और ऑब्जेक्ट को कर्व सरफेस के सामने रख दिया गया है बेटा, तो यू पूछा है कितना हो जाएगा, यू पूछा है कितना हो जाएगा, प्लेन सरफेस पॉलिश है बेटा, ये वाला सरफेस पॉलिश हो गया है, ये ऐसे बना हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तुरंत बेटा। ये हम लोग क्या कहेंगे, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 2/FL होगा प्लस 1/f मिरर होगा, मिरर का कोई लेने देना नहीं, ये पूरा सिस्टम जीरो बन जाएगा, ये सीधा हो गया 1/f बराबर हो गया 2/FL का मान ये दे दिया है बेटा, यही लेंस का फोकल लेंथ 20 दिया है, तो ये बराबर हो गया f का मान 10 हो गया बेटा, तो फोकल लेंथ 10 आ गया है। सीधा 1/b -1/u बराबर 1/f पढ़ लेना है बेटा, सीधा हम लोगों को। हाँ अच्छा सॉरी, इससे नहीं यूज करना है, पहले हमें फोकल लेंथ आ गया बेटा, तो फोकल लेंथ आने के बाद अच्छा डिस्टेंस दे दिया है, ऑब्जेक्ट रखा है, b पूछा, ठीक है बेटा इसी से निकालना है। 1/b बराबर हो गया 1/f के हो गया, ये बराबर है देखो प्लेस एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये हो जाएगा बेटा b हो गया, -1/60 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/कॉन्वेक्स है तो 10 हो गया, यहाँ से क्या बन गया है सीधा 1/b बराबर हो गया बेटा 1/10 हो गया, और ये -1/60 हो गया। हाँ ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन फोर्थ, चलो बेटा हाँ सही है बेटा, यू दिया था b, हमने समझा कि अच्छा और निकालना है। चलो प्रिज्म भी बच्चों एकदम याद होगा, प्रिज्म की कहानी एकदम याद है, एक एंगल इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्शन था, ये R1 था, ये I1 था बेटा, और ये डिविएशन एंगल था, सब कुछ एकदम क्लियर होगा, ये पिक्चर सारे बच्चों के दिमाग में घूम रहा होगा, मैंने क्लास का ही पिक्चर ले लिया है। ए प्लस ई हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यहाँ से डिविएशन डेल निकाला गया था बेटा, डेल कितना आया था याद करो, एक्सटर्नल का सम I+I1 माइनस इंटरनल का सम R+R1 आया था, तो डेल बराबर I+I1 -R+R1 आया था, ए प्लस ई बराबर 180 आया था। अब जब ट्रेंगल DQR लिया जाएगा बेटा, सॉरी QRE लिया जाएगा, तो R+R1 बराबर ई आया था, सब कुछ आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो जल्दी से यहाँ भर दें बेटा, जो डिविएशन आया था वो कितना था, I+I1 माइनस क्या भरना है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या भरना है, सारे बच्चों के एकदम दिमाग में याद होगा, यहाँ पर R प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। R प्लस R1 बराबर A आया था सॉल्व करने पर बेटा, और जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, देखो सभी बच्चों के एकदम दिमाग में होगा, R प्लस R1 बराबर A पुट कर दोगे तो डेल कितना हो जाएगा, आई प्लस आई वन माइनस ए हो जाएगा। इन्हीं तीनों फार्मूले की बार बार ज़रूरत पड़ी थी। मिनिमम डिविएशन था बेटा, मिनिमम डिविएशन पे आई बराबर आई वन था, आर बराबर आर वन था, तो डेल किसके बराबर था, डेल एम के था। और इस कंडीशन पे बच्चों याद था कि जो प्रिज्म के अंदर रेज होगा वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगा, बच्चों याद है। इस केस में बेटा मिनिमम डिविएशन की कंडीशन पे जो हमारा बेस यानी प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रेक्टेड रेज होगा वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो गया था बेटा, याद होगा आई बराबर आई वन आर बराबर आर वन था। तब बेटा यहाँ से जब रखोगे तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन पे जैसे आर बराबर आर वन रखोगे, टू आर बराबर ए हो जाता है और आर बराबर ए बाई टू। मैंने कहा था सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो बेटा, और काफ़ी क्वेश्चन किया गया था और न्यूमेरिकल सेशन में भी हम लोग करेंगे बेटा। देखो यहाँ से i बराबर i1 हो गया, और अगर रिजल्ट देखा जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा बेटा। यही मिनिमम डिविएशन का फिगर होगा, याद होगा ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे डिविएशन क्या हो गया मिनिमम, देखो यहाँ से यहाँ तक घट रहा है और इस पॉइंट से देखो बढ़ना शुरू हो गया, तो जो सबसे मिनिमम होगा वो कहाँ पर होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगा बेटा। तो ये पार्टिकुलर जो हमारा पी पॉइंट है यहीं पर हम मिनिमम डिविएशन पाएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन में बता दें बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइट होगा वो पैरेलल टू बेस होगा, इस पिक्चर से कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो बेटा प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रेक्टेड रेज होगा वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा, इसमें से कौन सा एंगल होगा। हाँ बिल्कुल बेटा आपको याद है, एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ है बेटा। ओ सारे बच्चों का आंसर आ गया सर, अभी जस्ट तो देखा गया है, यही मिनिमम डिविएशन हो गया है और ये देखो ये 45 है, ये हमारा मिनिमम डिविएशन 40 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 है, तो 45 पे डिविएशन मिनिमम मिलेगा और उसी कंडीशन पे बेटा प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रेक्टेड लाइट होगा वो बेस के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल बेटा एकदम गुड, तो 45 डिग्री बिल्कुल बेटा, ये भी याद होगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन ए प्लस डेल एम अपान टू, साइन ए बाई टू होगा। थिन प्रिज्म के लिए बेटा डेल बराबर म्यू माइनस ए, म्यू माइनस वन इंटू ए था बेटा। सब कुछ याद होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है बेटा जो ना याद हो, बस यहाँ दिखाने के लिए आपको केवल कर दिए थे, ठीक है। तो और भी बेटा प्रिज्म में ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में तुम लोग परेशान हो जाते हो, एक लिमिट होती है क्लास करने की, और जब मेन क्लास होता है तो उसका एक अट्रैक्शन अलग होता है बच्चे का, और अभी का अट्रैक्शन अलग होता है। कई चीज़ और बताए थे बेटा, एक कंडीशन बताए थे जहाँ पे डेल वन बराबर डेल टू था, यानी डेल वन म्यू वन माइनस वन बराबर डेल टू म्यू टू माइनस वन, उस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एक बार क्या करना बेटा कि जितने क्वेश्चन हम कराए हैं क्लास में एक बार सबको देख लेना, कल कोई न्यूमेरिकल सेशन नहीं होगा। जब आप बेब ऑप्टिक्स पढ़ोगे बेटा तो बेब ऑप्टिक्स के साथ में रे ऑप्टिक्स का भी न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल इतना करा दिए हैं बेटा कि नए बहुत न्यूमेरिकल्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी दिन 10-15-20 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल हो जाएगा और 10-15 क्वेश्चन बेटा बेब ऑप्टिक्स का हो जाएगा। इंटरफेरेंस के कोई कठिन न्यूमेरिकल बनते ही नहीं हैं, सारे बच्चे इंटरफेरेंस को तैयार कर रखे रखें, एंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एकदम जबान पे रखें बेटा। दूसरा पोलराइजेशन और डिफ्रेक्शन, याद होगा डिफ्रेक्शन में बेटा दो ही कंडीशन था, एक मैक्सिमा का था एक मिनिमा का था बेटा, और फार्मूला था डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा आया था। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की बात की गई थी बेटा, उसको पढ़ना है तो वो भी एक डेढ़ घंटे का सेशन है और एक साथ न्यूमेरिकल करा देंगे। और इस बीच में बेटा प्रॉमिज है जल्द से जल्द मैं बेटा आपको बचे हुए तीनों चैप्टर को मैं जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा बेटा, ये प्रॉमिज है आज। ओके बेटा बाय बच्चों, सभी बच्चे मेहनत करें, कहीं से कुछ सोचना नहीं है, एनी हाउ बेटा व्हाइट गाउन लेके ही रहना है, टारगेट हमारा 650 प्लस नंबर लाना है।
कुछ भी करना पड़े बेटा, जो ये 35 डेज बचा है इसमें अपने को एकदम पागलों की तरीके से बेटा, एकदम जैसे होता नहीं बिल्कुल ऐसे छीन के मुझे लेना है, ये एटीट्यूड एकदम रखो बेटा। तो एकदम मेहनत कर डालो कि बहुत अच्छा हो जाए बेटा। हाँ ओके बेटा, ओके बाय बच्चों, गुड नाइट।